बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं तवा कलेजी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कलेजी ली है और इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है ताकि फ्राई करते वक्त मुश्किल ना हो और ना अंदर से कच्ची रहे। आप लोग भी इसको इस तरह काट लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं जो कि कुछ यूँ हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून चाट मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने धनिया साबुत धनिया लिया था, इसको मैंने क्रश कर लिया था, और यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने सोया मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। चलें जी जनाब, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ तवे पर तेल ऐड कर लिया है, अब मैं इसमें कलेजी डालूँगी। मैंने यहाँ कलेजी ऐड कर ली है, अब मैं इसको तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। जी जनाब, इसने अपना कलर चेंज कर लिया है, अब हम इसमें सारे अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे और लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक कलेजी गल नहीं जाती, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखिए ये फ्राई हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए हमारी मज़ेदार सी तवा कलेजी तैयार है, आप लोग भी इसको मस्त ट्राई करें और मुझे फीडबैक लाजमी दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।